ये क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस, साइंटिस्ट मेंडल ने जो क्रॉस किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन्स क्रॉस ऑफ वन कैरेक्टर, डाई मीन्स क्रॉस ऑफ टू कैरेक्टर, ट्राई मीन्स क्रॉस ऑफ थ्री कैरेक्टर। तो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड मीन्स क्रॉस ऑफ वन कैरेक्टर। वो क्या कहा है? पी प्लांट। पी प्लांट जो है उसका क्रॉस हो रहा है प्योर टॉल पी प्लांट और डॉट पी प्लांट। प्योर है, प्योर है इसलिए टू टी जो है वो कैप से, दो टी कैप से, दो टी स्मॉल है, ठीक है। तो जो एफ वन जनरेशन होगा, एफ वन जनरेशन में क्या होगा, देखो एक कैप्स टी आ रहा है यहाँ से, एक स्मॉल टी आ रहा है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सीक्रीगेशन। एक कैप्स टी आया, एक स्मॉल टी आया। अब एफ वन जनरेशन में क्या होगा, एक वन कैप्स की वन स्मॉल टी दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, कैप्स टी स्मॉल टी, कैप्स टी स्मॉल टी। इसको बोलते हैं हाइब्रिड टॉल। मतलब क्या है, टॉल है लेकिन उसके अंदर में बहुत बड़ा जीन है, इसलिए उसका नाम क्या है, हाइब्रिड टॉल, मिक्स टॉल, प्योर टॉल नहीं है। अब क्या होगा, ये जो हाइब्रिड टॉल है, ये दो दो जो पी प्लांट, दो हाइब्रिड पी प्लांट, उसके अंदर में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। क्या बोला, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, अपने अंदर में फर्टिलाइज हो रहा है, मतलब एक हाइब्रिड टॉल और दूसरा हाइब्रिड टॉल, उसके अंदर में फर्टिलाइज होगा। तो एफ टू जनरेशन में क्या होगा, एक प्योर टॉल, टू हाइब्रिड टॉल और एक प्योर ड्वार्फ। क्या बोला मैंने, एक प्योर टॉल, टू हाइब्रिड टॉल और एक प्योर ड्वार्फ। तो जीनोटाइप रेशियो क्या हुआ, वन प्योर टॉल, टू हाइब्रिड टॉल, एक प्योर ड्वार्फ, वन इज टू टू इज टू वन। फिनोटाइप में क्या होगा, फिनोटाइप का मतलब क्या है, जीनोटाइप मतलब हमारी बॉडी में जो जीन रेशियो है, फिनोटाइप मतलब बाहर से दिखने में कैसे लगते हैं। फिनोटाइप का मतलब क्या है, मतलब दिखने में, हम दिखने में कैसा लग रहा है, टॉल लग रहा है, तो फिनोटाइपिकली हम टॉल है, लेकिन जीनोटाइपिकली हो सकता है वहां हम हाइब्रिड टॉल है। तो इसी तरह फिनोटाइप जो है वो क्या हुआ, 3:1, मतलब 3 tall 1 dwarf। जीनोटाइप क्या होगा, 1 pure tall, 2 hybrid tall, 1 pure dwarf।